बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समर्थ पोर्टल है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह करे हैं। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन के कॉलेज पास बन जाएगा, कॉलेज पास बन जाएगा तो आपको डेली पे नहीं करना पड़ेगा। अंदर छोटी सी क्लिप बनाई है और अंदर क्या बात हुई है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी ये एरिया है यहाँ पे कौन यूनिवर्सिटी का। हाँ जी दोस्तों, क्या चल मिल करते हैं आप सब। अच्छा आपका दोस्त योगी फिर से आ चुका है उन्हें उड़े के साथ। जैसा कि आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, सुगंध सिंह जी यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा एंड श्री देवी सुमन यूनिवर्सिटी गढ़वाल। तो तीनों यूनिवर्सिटीज का आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सारे स्टूडेंट्स आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, कुछ चीज़ें आप इंफॉर्मेशन स्किप ना कर दो। तो आज वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जैसा कि मैं अपने पास्ट वीडियोज़ के बारे में बता देता हूँ, मैं क्या वर्क कर रहा था। जो स्टूडेंट सारे 2023 के जो न्यू बैचेज हैं, जो स्टूडेंट सारे नैनीताल कॉलेज करने, चाहे उनकी कोई सी प्रॉब्लम हो, चाहे उनकी हॉस्टल से प्रॉब्लम हो या पीजी से है, तो उनको कैसा अकोमोडेशन वगैरह मिलेगा, सब चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ अपनी वीडियोस में। और बाकी उनकी कोई से स्ट्रीम की बात हो, चाहे बीएससी की बात हो, बीएससी फॉरेस्ट्री की बात हो, या बीसी की हो, या बीएफए की हो, या बीबी की है, या चाहे लॉ की कोई से भी स्ट्रीम के, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और कोई सी भी आपकी प्रॉब्लम है जो यूनिवर्सिटी से, उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समर्थ पोर्टल है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह करे हैं। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बताई है 25 जून, तो 25 जून से पहले जो है आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है जिन लोगों ने एडमिशन्स वगैरह लेने हैं 2023 के बैच में। तो जैसा कि मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इस बार क्या करना है, अपने प्लेस और डिस्ट्रिक्ट का नाम दोनों चीज़ डालनी है, प्लेस और डिस्ट्रिक्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं अपने तरफ से डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताऊँगा। अगर आप उस जगह से आते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। जैसे कि एडवांटेज में एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप लोग आ रहे हैं नैनीताल हल्द्वानी से, हल्द्वानी वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। अब डेली अप डाउन करेंगे तो जैसे बसेस में या टैक्सी में डेली अप डाउन करेंगे तो आपका क्या होगा, डेली 100 रुपीज़ जाएंगे ही जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक हल्द्वानी से नैनीताल डेली अप डाउन करेंगे तो आपका जो है कॉलेज पास बन जाएगा, कॉलेज पास बन जाएगा तो आपको डेली पे नहीं करना पड़ेगा। वो चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि वो पास कैसे बनेगा। तो अपना क्या करना है, अपने प्लेस का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर डाल देना कमेंट सेक्शन में, जो स्टूडेंट्स नैनीताल आ रहे हैं। तो देखिए समर्थ पोर्टल की हम बात करते हैं कि समर्थ पोर्टल में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा, फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करते समय अपना नाम सही डाला, फादर नेम सही डाला, अपने स्कूल का नाम गलत डाल दिया, अपने टोटल मार्क्स गलत डाल दिए, तो अब वो सब चीज़ें उनने फीस भी पे कर दी, अब फॉर्म सबमिट भी हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब स्टूडेंट्स का ये डाउट है अगर उन्होंने मिस्टेक्स वगैरह कर दिए तो हम क्या करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा, दोबारा फॉर्म फिल कर दिया, सेकेंड टाइम फिल करा तो एक छोटी छोटी मिस्टेक भी सेकेंड टाइम भी कर दी, अब वो थर्ड टाइम भी फिल करेगा, ऐसा नहीं करना है। मैं जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये मैं इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ, मैं गया था कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जो सर ने मुझे बताया वही चीज़ मैं जो है आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग को जो है अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको इसके बाद वीडियो के बाद एक क्लिप डाल दूंगा, उस क्लिप के बाद एक फ़ोटो डाल दूंगा, उस फोटो में सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो न्यूज़ पढ़ भी ली होगी, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो उन लोगों के लिए वीडियो है। तो घबराइए मत, हमेशा कहता हूँ कि पेशेंस के साथ काम करना, कोई सा भी फॉर्म फिल करना तो पेशेंस के साथ करना, और कुछ भी चीज़ का ना, जैसा कि आपने बात करते हैं, बात छोड़ो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा तो मिस्टेक्स वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करी है, तो आपने क्या करना है, एक बार फॉर्म फिल कर दिया डेट सेट, सेकेंड टाइम मत करना है फिल, 50 रुपीज़ बार बार मत देना, एक बार फॉर्म फिल करना है जो सन में जो है एक ही बार फॉर्म फिल करना है। जब 25th लास्ट डेट बताई गई है तो थोड़ी सी एक्सटेंड और हो सकती है, क्या था जून जुलाई तक चले जाए वो डेट, बट 25th हम अभी तक मानते हैं कि 25th ही लास्ट डेट है। तो उससे पहले जो है आप लोग के लिए एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा आपके समर्थ पोर्टल पे, करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें आपने क्या करना है, एडिट में जाना है, आपने अपने फादर्स नेम गलत डाला है तो एडिट में जाके, अभी नहीं आ रहा है वो मुझे पता है, उससे न्यूज़ में लिखा है, इसके बाद जो मैं क्लिप डालूंगा उसमें पढ़ लेना कि उसमें लिखा है कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले जो है आप लोगों को चांस दिया जाएगा अपने जो भी चीज़ें एडिट करने का। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने डोमिसाइल अप्लाई कर रखा है तो उत्तराखंड का, तो उनका नहीं आया होगा, तो क्या करना है आपने, बाद में एडिट कर देना, कुछ
कुछ दिन पहले आ जाएगा, तो बेफिक्र रहिए। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, छोटी सी वीडियो थी बस आप लोग के लिए कि घबराना मत। जैसा कि लास्ट डेट 25th है, तो उससे पहले जो है आप लोग के लिए एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग कि एडिट का ऑप्शन उसमें आ जाएगा, तो एडिट में जाएंगे आप लोग, आपके जो भी सिग्नेचर वगैरह हैं वो भी आपने गलत डालोगे, या फोटो वगैरह गलत डालोगे, या फादर्स नेम या परसेंटेज, सब चीज़ जो है बाद में आप कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए। बाकी जो स्टूडेंट्स नैनीताल आ रहे हैं, चाहे उनकी पीजी की बात हो या हॉस्टल्स की बात हो, तो पीजी की वीडियो जो है मैंने डाल दी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो समर्थ पोर्टल वाले जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन वगैरह करें, तो आप बेफिक्र रहिए। तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जैसे अभी तो अंडर ग्रेजुएशन का चला रजिस्ट्रेशन, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होंगे, क्या होता है इस बार वो भी समर्थ पोर्टल पे हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही देते रहूँगा। चिल्ड्रेन स्टे हैप्पी स्टे कूल, मिलते हैं बहुत जल्द। ओके। देखिए ये जो सारे पोर्टल आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके माइग्रेशन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए माइग्रेशन काउंटर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, माइग्रेशन काउंटर